ओके चलो ठीक है, एंड डाउन सामने देखेंगे सर। क्या बोला, क्या करता है आपने को? पहले में क्वेश्चन समझता है, अब सुनो क्वेश्चन में क्या है कि एक इंक्लाइन प्लेन है। तो पहले तो क्वेश्चन मैंने बार बार बताया तुम्हें कि जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज को डायग्राम में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके जब हम एक पिक्चराइजेशन करते हैं ना, अच्छा अपने दिमाग में वर्ड्स होते हैं कि पिक्चर्स होती है, जब भी तुम रिकॉल कोई भी चीज किसी के बारे में या कोई भी चीज रिसर्च करते तो दिमाग में क्या चलता है, पिक्चर्स चलती है, वीडियो चलते हैं ना। तो देखो ना, इस लैंग्वेज तो हमने तुमने बनाई है यार, क्या हम जब लैंग्वेज देखी इंग्लिश हिंदी मराठी जो भी लैंग्वेज होती है तो क्या हम इंसान नहीं थे क्या? थे। हमारे पास हमने क्या किया, उस थॉट को जो हमारे अंदर रहता है ना, एक पिक्चराइजेशन, एक विजुअलाइजेशन, उस चीज को एक्सप्रेस करना है तुमको, तो मेरे दिमाग में पिक्चर है पर तुमको कैसे बताऊंगा मैं, तो उसके लिए हमने किसको क्रिएट किया, लैंग्वेज। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ द लैंग्वेज, नथिंग एल्स। इफ यू हैव थॉट्स, इफ यू हैव गुड थॉट्स, तो यू कैन कन्वे, डजंट मैटर कि व्हाट लैंग्वेज यू आर यूजिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को शेक्सपियर तो बनना नहीं है, समझ में आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं बार बोलता हूँ लैंग्वेज पढ़ो, दिमाग में पिक्चर बनाना, क्रिएट स्टोरी, जैसे बोलते हैं ना, जैसे आर्टिस्ट फ्लो होता है, आर्टिस्ट फ्लो का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या होता है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो बस तुम भी आर्टिस्ट अपने अंदर के आर्टिस्ट को जिंदा करो थोड़ा बस। तो लैंग्वेज पढ़ा हमने क्या था, ये कि लैंग्वेज में किसी ने कहीं देखा, क्या देखा, वो मेरे सामने लैंग्वेज के फॉर्म में बता रहा, उसने बोला ये देख, मैं गया ऐसा इंक्लाइन प्लेन, तो यार बना देते हैं, तुरंत दिमाग में बना लिया ऐसे। अच्छा आगे बताओ, उसने बोला दैट इंक्लाइन प्लेन इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाज 37 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा ये बोल रहा है, ये थीटा 37 हो रहा है, अरे यही तो है ना, क्लियर। नाउ इसके ऊपर उसने बोला एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने, अ ब्लॉक ऑफ मास कितना 10 केजी इज प्लेस ओवर दिस इंक्लाइन सरफेस, एंड दिस इंक्लाइन सरफेस इज रफ और स्मूथ। इससे ये भी बोल दिया कि दिस इंक्लाइन सरफेस इज रफ, समझ में आ रही बात। अब इससे एक और इंफॉर्मेशन दिया कि ये जो सरफेस है इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की यूनिट होती है क्या, सामने देखो बंद करो, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की यूनिट होती है? नो, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज अ डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, नो यूनिट नो डायमेंशन, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू होगी, अब बस अब क्वेश्चन करना है, बताओ नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैं बोला कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा। तो मुझे एक बात पता है कि अगर ये ब्लॉक ऐसे रख दूंगा, अगर फिसल गया तो किधर फिसलेगा, नीचे के ऊपर, ऊपर तो तब जाएगा, मैं ऊपर से खींचूंगा तब, कोई ऊपर खींचा इसको, सिर्फ ग्रेविटी नीचे ले जाने की कोशिश करेगी तो ब्लॉक नीचे फिसल रहा होगा। तो आप एफडी बनाते, सबसे पहला फोर्स के ऊपर लगाते हैं, तो सबसे पहला फोर्स कौन सा, एमजी। तो मैंने ड्रॉ कर लिया नीचे एमजी, कितना हो गया 10 kg है तो 10 into 10 100 हो गया, ये mg हो गया। दूसरा फोर्स नॉर्मल फोर्स इस ऊपर की तरफ m, सही है। और तीसरा फोर्स फ्रिक्शन, ये नीचे स्लाइड कर रहा है तो इसकी टेंडेंसी नीचे है या नीचे फिसल रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, या सिंपल सी बात है इस पे ऊपर की तरफ लग गया, कौन सा फ्रिक्शन, क्योंकि फिसल चुका है, पहले क्वेश्चन में मेंशन कर दिया उसने। ओके अच्छा सब कुछ ठीक है या कुछ और करना है, रिजॉल्व करना है। पहले तो मैं दिखा देता हूं कि नीचे आ रहा है फिसलता हुआ ए एक्सेलरेशन से, अब इस mg को रिजॉल्व करेंगे किधर, अलोंग द प्लेन एंड, अरे यार यही तो करते हैं भाई, अब तुम प्रैक्टिस घर पे कर लोगे तो बार बार मैं एक ही ऐसा तो नहीं लग रहा मैं रोज रोज आके यही काम करता हूं, तो तुम कर लो काम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये 100, तो ये कितना हो जाएगा, देख ये थीटा होता है, तो ये 100 साइन थीटा होता है, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो 100 साइन 37 कितना होगा 60 न्यूटन, करेक्ट। एंड दिस वन विल बी 100 कॉस 37 80 न्यूटन, करेक्ट है। अब देखो इसका एक्सेस नीचे, तो इंक्लाइन मोशन की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन,
अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ये इसका जो एक्सेलरेशन है अलोंग द प्लेन है ना, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए. तो नॉर्मल फोर्स ऊपर, 80 न्यूटन नीचे, तो n इज इक्वल टू 80 न्यूटन. करेक्ट है, आ गई नॉर्मल फोर्स आ गया. नाउ फ्रिक्शन फोर्स, तो एफ के निकाल लेते हैं, बिकॉज काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इनटू है ना, है कि नहीं है? सामने देख लो, बाद में उसको रब करना है. क्यों करते हो तुम लोग? सुन लो, सुनना ही है. क्यों बार बार चेक तुम लोग नहीं लगता? मैं बार बार की चीज बोलता हूँ, किसी कॉमन सी चीज बोलता हूँ कि सुन लो, फिर भी नहीं कुछ ऐसा नहीं होता. कीड़ा मन में रहता है ऐसे, तुम लोग पता क्या कहते हैं, मान लो कुछ पीठ पीछे किया हुआ है, तो उसको मैं सुनना, जब तक उस चीज को करेक्ट नहीं करोगे तब तक सुनोगे नहीं, अटक जाते हो. करीब समझ में आ रही बात? तो अटकना नहीं है, पीछे जो हो गया, अब मैं समझा रहा हूं उसको सुनो, अंडरस्टैंड करो, नहीं तो हमेशा पीछे ही रहोगे जिंदगी में. क्योंकि अभी नहीं सुनोगे तो कुछ देर बाद में कुछ और बोलूंगा, तो तुम पीछे अटक जाओगे फिर से. तो पीछे जो हुआ हुआ, आज से प्रेजेंट में हम लोग करते हैं ना, तो जो भी चल रहा है उसको तो समझने की कोशिश करो ना. एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन. और ये हर जगह सब लोग की कॉमन प्रॉब्लम है, इसे मैं बोलता हूँ, ये प्रिपरेशन में तुम्हारा एप्टीट्यूड, तुम्हारा एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी सबको चेंज हो जाएगी. अगर सीरियसली प्रिपेयर करोगे तो डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे कि आईएएस बनोगे कि पॉलिटिशियन बनोगे कि अधिकारी बनोगे, डजंट मैटर. क्या बनोगे लाइफ में पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, बट लेकिन जो भी करोगे बढ़िया करोगे. भिखारी भी बनोगे ना तो नासिक के पास भिखारी बनोगे, चर्चे होंगे तुम्हारे नाम से, इनकम टैक्स के रेट पड़ेगी तुम्हारे को, नहीं समझे? अरे होता है, ठीक है ना? तो बात वो नहीं है, कुछ भी करो यार, कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर बन गई हमें करना है, इंजीनियर आईआईटी निकले के तभी हम जिंदगी रहेगी. आईटी ऐसा कोई नहीं, बिना आईटी के जिंदगी नहीं है, और अच्छी जिंदगी क्या क्या एक्टर बन जाओगे तो लोग के बारे में पता नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी फिलहाल ये सीखो. तो ये मैं सिखा रहा हूँ कि कुछ सब कुछ बताया जाता है ना, कल को लाइफ में किसी के साथ इंटरेक्ट करोगे, पॉलिटिशियन बनोगे, कोई आएगा कुछ बोल रहा है ऐसे कर रहे हो तुम, या वो बोलेगा पागल है क्या, नहीं मैं कुछ बोलना सुनता ही नहीं है, तुम्हें निकाल के मार नहीं देंगे मुझे. हर जगह भी इंपॉर्टेंट है, सुनो केयरफुल, कोई भी काम है जब काम करने व्यस्त है, ये एप्टीट्यूड होता है. और तुम्हारे दिमाग में कीड़ा रहता है, जैसे पॉलिटिशियन है उसको देख रहे बाहर एक उधर बच्चा बैठा हुआ है, तो सुनेगा नहीं जब तक उसको मारेगा नहीं, करेगा नहीं. तो ऐसे लोग क्या होते हैं, लोग कहते हैं क्या करता है, तो म्यू के इनटू एन, तो म्यू के की वैल्यू ऑलरेडी इज गिवन, दैट इज पॉइंट फोर, एन की वैल्यू अभी तुमने निकाला कितना हो गया, सोच करते ऐसा मैं डेटा दे देता तेरे को, मैं इसका मास कम कर देता, कोई 62 होता होता, mg का कंपोनेंट कुछ ऐसा होता कि ये 32 रहता, फ्रिक्शन फोर्स 32 आता, लेकिन ये 30 आता, तो क्या लॉग नीचे आता? लॉग नीचे आता क्या? तो क्या होता? उधर ही होता, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा नहीं, कौन सा लगेगा? ऐसे चेक करते हैं, अभी मैं बहुत सिंपल सिंपल दे रहा हूं, जहां तक क्लियर कट है कि ब्लॉक स्लाइड करके नीचे गया है, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ओपन एंडेड होते हैं, वो छोड़ देंगे, डेटा देके छोड़ देंगे, यू डिसाइड ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड और स्टिल एट रेस्ट, वो म्यूएस भी देंगे, म्यू के भी देंगे और तुमसे पूछेंगे, डिफिकल्ट. लेकिन उस पर डिफिकल्ट नहीं होता, सिर्फ थॉट प्रोसेस, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम समझ पाए मैं क्या बोला? ये 60 न्यूटन है, ये FK की वैल्यू 32 न्यूटन है, दैट्स व्हाई दिस 60 न्यूटन विल डोमिनेट एंड दिस 60 न्यूटन विल पुल ब्लॉक डाउनवर्ड. बट इन एनी अदर केस, सपोज इफ दिस कॉम्पोनेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स mg इज लेस देन द FK, तो क्या खींच पाएगा? उसकी औकात ही नहीं है. तो नहीं खींच पाएगा इसका मतलब क्या है? तुम बोलोगे गलत है सर, आपने गलत क्वेश्चन दे दिया, कैंडिडेट फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं क्योंकि ब्लॉक चला ही नहीं, क्योंकि चलाने वाले की औकात ही कम है, इसका मतलब ब्लॉक उधर ही पड़ा हुआ है कि नहीं? अब उधर ही पड़ा हुआ है, लेकिन कोशिश तो करता है ना जाने की नीचे. तो जब सिर्फ कोशिश होती है तो कौन आता है, और जब सक्सेस मिल जाती है कौन आता है? तुम्हें बात समझा फिलहाल यहाँ पे हमारा सिंपल केस है. तो ना अब हम लोग वही काम करेंगे, क्या करते हैं हम लोग? सेकेंड लॉ. अब तो तुम्हें याद होना चाहिए, मेरे सपने में भी ये सब आते हैं यार. बाई सेकेंड लॉ अलोंग किधर किधर अप्लाई करोगे? अलोंग द प्लेन.
अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इस तरफ परपेंडिकुलर तो लगा दिया तुमने, अलोंग द प्लेन लगाओगे F is equal to ma, तो नेट फोर्स एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स भी नीचे होना चाहिए, तो क्या करूं मैं 60 माइनस एफ के, अरे सही है, इज इक्वल टू एम इन टू ए, तो 60 माइनस एफ के इज 32 इज इक्वल टू 10 इन टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2.8 मीटर सेकंड। अरे है ना कुछ डर किसी को कुछ भी पक्का प्रोटो समझते हुए दिमाग की धक्कन बोल करके समझो। ओके चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करोगे या फिर आगे चलते एक और कर लेते हैं ना प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बार बार तुम्हें दिखेगा कि एक ही चीज में कर रहा हूं, तुम भी बस वो करते लगो फिर मैं संन्यास कर। चलो आ जाओ एक क्वेश्चन लिखो, देखो अच्छा एक काम करते हैं इसमें पुली वाला था इस्तेमाल करते हैं ना, पुली वाला करते हैं बहुत क्या फिर चलो इंक्लाइन प्लेन वाला ही करते हैं, फोर्स इन्वॉल्व करते हैं ठीक है। ऐसा है सुन लो एंगल थीटा इंक्लिनेशन सुन लो पहले देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा 37 डिग्री और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ठीक है, इसका मास लेट्स से 5 kg, लेकिन अभी सिर्फ रखा नहीं है रफ सरफेस है, अब मैं इसको यहां पे कोई खड़ा है इसको खींच रहा है ठीक है, एक फोर्स लगा के क्या कर रहा है इसको खींच रहा है इसको बाई सम फोर्स F की वैल्यू में ले लेता हूं, चलो F की वैल्यू ले लिया मैंने इसको चलो 100 जो कर लेते हैं ठीक है, एंड दिस सरफेस इज रफ एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2 क्लियर, लिखो फाइन डायग्राम समझ गए लैंग्वेज लेने की जरूरत तो नहीं है समझ गए डायग्राम बना लो फिर देखो फाइन नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, बड़ा डायग्राम बना ना रफ ट्रायंगल बनाना जानते हो उसके बाद ब्लॉक रख दो फिर बड़ा फिर सारे एफपीडी बनाओ थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ, स्केल की कोई जरूरत नहीं है स्केल यूज करेंगे ठीक है, एग्जाम में स्केल तो नहीं लेना होता है वहां से बनाओ बनाते सबसे पहला फोर्स mg तो 50 न्यूटन
कोई डाउट है? दूसरा फोर्स, एक तो फोर्स लग ही रहा है इसके ऊपर और नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, इस तरह दिस इज नॉर्मल फोर्स एम। अब अगर ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर? तुमने बोला ना ऊपर जा रहा है, तो मैंने बोला ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? डाउन का डायरेक्शन, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स नीचे। दिस इज एफ के, इज इट ओके? नाउ अब एफ के ऊपर लगा तो अब न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, सही है? न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे और एमजी को रिजॉल्व भी करना पड़ेगा यार, तो चलो एमजी को रिजॉल्व कर लेते हैं। 50 न्यूटन, तो इस तरह 50 cos 30 40, इसको रिजॉल्व करो तो क्या आया? 50 cos 37 एंड ये वाला क्या आएगा? 50 sin 37, ये कितना हो गया? 30 न्यूटन हो गया एंड दिस इज 40 न्यूटन। क्लियर हुआ? तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, तो देयरफॉर नॉर्मल फोर्स विल बिकम व्हाट? 40 न्यूटन। इज इट ओके? सभी को समझ में आई बात? चलो ठीक है, ये समझे? नाउ n इज इक्वल टू 40 न्यूटन हो गया। अब दूसरा क्या करना है? अब न्यूटन सेकंड लॉ इधर लगाना है, सही है ना? तो एक्सीलरेशन ऊपर और 100 न्यूटन ऊपर लगा हुआ है, तो नेट फोर्स ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर क्या? 100 माइनस नीचे 30 न्यूटन माइनस एफ के, अरे सही है, इज इक्वल टू एम ए, यही तो करोगे। तो वैल्यू क्या होता है? 100 माइनस 30, और एफ के की वैल्यू क्या होती है? एफ के इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू के इनटू एन। व्हाट इज म्यू के? 0.2। व्हाट इज एन? 40। तो एफ के कितना आ गया? 8 न्यूटन। वैल्यू लगाओ तो माइनस 8 न्यूटन, अरे सही है ना, इज इक्वल टू एम ए, एम इज 5 इनटू ए, तो ए की वैल्यू कितने आ गई? 100 माइनस 70 62 62 बाई 5 कितना आया? 12.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इज इट ओके? सही है। अब तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता नीचे होता तो क्या होता? सोच नीचे होता तो क्या होता? मैं नहीं कर पाऊ तो तुमने बोला सर आप कह, आपको कैसे पता तुम ऊपर गया? मुझे मुझे ऐसा लगा कि नीचे जा रहा है, तो मैंने कहा चलो तुम नीचे मान लो, ठीक है। हाथ नहीं रखना है, कितनी बार बोला हाथ काट लेंगे तुम होगा। अच्छा रेस्टोरेंट बैठ बैठते बैठते हाथ धो लिया हमने, नहीं ऐसा है क्या? नहीं तो बेड पे लेटे लेटे, क्योंकि बेड पे वैसा ऐसे लेटते हैं ना, नहीं आदत बदलो, सीधा बता रहा हूं मैं, सीधा रहो बिल्कुल। चलो देखो, तो मैं दूसरे तरीके से करने जा रहा हूं, ठीक है? तुमने बोला सर मैंने तो नीचे मान लिया था, चलो नीचे ले लेते हैं। तो लेट्स से कि यू हैव अज्यूम कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज डाउनवर्ड, करेक्ट है? समझ में आ रही बात? तो नीचे जाएगा तो नेट फोर्स अब किधर होगा? नेट फोर्स किधर होगा? अगर नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, नीचे रहेगा, अरे सही है ना, चलो करके देखते देखते क्या होता है। तो नीचे जाएगा, तो नीचे जाएगा तो पूरा डायग्राम कैसे कन्वर्ट हो जाएगा बताओ मुझे? तो अब mg तो नीचे लग रहा है कितना? 30 न्यूटन, अरे सही है ना, और mg का ये कंपोनेंट कितना लग रहा है? 40 न्यूटन, और नॉर्मल फोर्स ऊपर, लेकिन अब ब्लॉक नीचे जा रहा है तुमने ऐसा बोला ना, तो फ्रिक्शन फोर्स, अरे अब सही है कि नहीं यार? अब नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा ना, लेकिन एक फोर्स भी लगा हुआ है, कितना? सही है, करेक्ट है। अब देखो अभी नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो नेट फोर्स किधर कितना होना चाहिए? नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, तो नीचे एक्सेलरेशन तो नेट फोर्स भी नीचे, तो तुम क्या लिखोगे? 30 माइनस 100 माइनस एफ ए इज इक्वल टू एम ए, करेक्ट? 30 माइनस 100 माइनस एफ ए,
कितना हुआ एट इज इक्वल टू एम ए कितना हो रहा है देखो जरा कितना आया -12.4 अरे यार ये 13 हुआ ना 108 हो गया ना अबे कितना आ रहा है देखो अलग आ रहा है चेक करो -17 हुआ -70 -78 हो गया इज इक्वल टू मास कितना हो गया इनटू एट एक वैल्यू कितनी आ गई कुछ अलग आ रहा है ना यार नहीं समझा तो यहाँ पे काम नहीं बनेगा यहाँ पे काम नहीं बनेगा तुम्हें फ्रिक्शन देखो इसका क्या क्यों क्यों ऐसा डिफरेंस हो गया क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही बदल गई तुमने अगर इधर मान लिया तो फ्रिक्शन ऊपर लगने लगा भी नहीं जो कि तो ये चीज हम अभी फिलहाल इसको इग्नोर कर देते और वैसे भी लेकर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है देखो इधर इससे फायदा क्या होता है कितना आ रहा है इसे 17.15 करेक्ट है ना बट नेगेटिव में आ रहा है अब सुनो नेगेटिव ये अगर तुमने ऐसे किया तो तुम्हें पता चल जाएगा तुमने गलत किया क्यों क्योंकि एक्सेलरेशन क्या आ गया नहीं समझा इट मींस कि तुमने जो अज्यूम किया दैट डायरेक्शन इज रॉन्ग समझ में आया yes, तो वापस तुम्हें फिर वैसे करना पड़ेगा क्लियर तो अगर तुमने कोई भी डायरेक्शन ले लिया एक्सेलरेशन का ऊपर या नीचे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने गलत किया अगर तुमने राइट डायरेक्शन लिया तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा अरे यार बट तुमने गलत डायरेक्शन ले लिया तो एक्सेलरेशन की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव जो तुम्हें बता देगा कि यू आर रॉन्ग तुम्हें समझा ही नहीं है ठीक है तो ये मैंने जस्ट चेक करने के लिए तुम्हें बता दिया कि किस तरह से करना है नोट कर सही है ना समझ में आया सभी को जल्दी
we draw friction force in lawns. We indicate friction force in lawns. Clear? समझ रहे हो? अब एक होमवर्क ले लो, घर पे ट्राई करना इसको. क्वेश्चन सुन लो क्या है देखो. तो ऐसे कर लेते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन है, ध्यान से सुन लो. इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, ये 53, ठीक है. थोड़ा सा अलग किया मैंने, मैंने बोला यार पुली लगी है यहाँ पे, पुली लगी है यहां से एक थ्रेड जा रही है जिससे एक ब्लॉक अटैच है यहाँ पे, और दूसरी थ्रेड से एक दूसरा ब्लॉक हैंग कर रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन डिफिकल्ट ऐसे बनता है. अभी तो मैंने सिर्फ फ्रिक्शन डाला था, टेंशन डाल देंगे, स्प्रिंग डाल के स्प्रिंग भी डाल देंगे तो एमबीडी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, बट अप्रोच चेंज नहीं होगा. सपोज दिस इज M1, M1 is 10 kg and this M2. चलो M2 को मैं लेता हूँ 4 kg, सही है. देखो मुझे भी नहीं पता था किधर जाएगा, ये नीचे जाएगा कि ये नीचे जाएगा वो मुझे नहीं पता, तुम्हें डिसाइड करना. जैसे पता है वैसे डिसाइड करो. कैसे? FBD बनाओगे पहले, फिर देखो कौन ज्यादा पोल करता है, क्या होने वाला है, ठीक है. तो 4 kg 10 kg, और ये जो सरफेस है रफ है, और इसका म्यू के कितना है? 0.2, ठीक है. ठीक है ना? ठीक है, ओके. अब तुम्हें निकालना, लिखो देखो, फाइव टेंशन इन थ्रेड, फाइव टेंशन इन थ्रेड, नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इट्स डायरेक्शन लास्ट एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2 क्यों होमवर्क है. पहले जितनी इक्वेशन आज क्लास में की घर पे खुद से करना है, ठीक है. खुद से करोगे तो फिर वो सही सीखोगे, ड्रॉ कर करके, ये नहीं सिर्फ देख के पढ़ने चले आया, ठीक है ना. ये चीज करने के बाद इसको ट्राई करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टैटिक फ्रैक्चर करेंगे. तो थैंक यू.